क्या अग्निवीर योजना से युवाओं का मोह भंग हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि अग्निवीर बीच में ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं। एक खबर के मुताबिक पहले बैच में ही 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग छोड़कर बीच में चले गए हैं। अभी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों के लिए कोई नियम नहीं है, इसलिए अब एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सेना विचार कर रही है जो लोग बीच में छोड़कर जाएं उनसे तब तक हुई ट्रेनिंग पर आया खर्च वसूल किया जाए। सेना से जुड़े एक अधिकारी की माने तो ऐसा करने से अग्निवीर बनने जो आएंगे वो ज्यादा गंभीर होंगे और ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, भारतीय सेना में अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अगले महीने ये अग्निवीर सेना की अलग अलग यूनिट में पहुंच जाएंगे। खास बात यह है कि एक तरफ कुछ युवाओं ने अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़ दी है तो वहीं मार्च से दूसरे अग्निवीर बैच की ट्रेनिंग जारी है। वहीं ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने बेहतर मौका मिलने की वजह से ट्रेनिंग छोड़कर सेना को अलविदा कहा है। पहले बैच में ज्यादातर युवा अग्निवीर से अलग हुए क्योंकि उन्हें दूसरी जगह नौकरी करने का मौका मिल गया। खास बात यह है कि हर अग्निवीर को ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही हर महीने करीब 30,000 रुपए की सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। अग्निवीर की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है जिसके बाद वो सेना का हिस्सा बन जाते हैं। अग्निवीर के तहत भर्ती हुए जवान 4 साल तक सेना का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनके पास परमानेंट होने का भी मौका होता है। केंद्र सरकार ने जब इस योजना को लागू किया था इस पर जमकर राजनीति हुई थी। इन सब के बीच अब युवा अग्निवीर जो ट्रेनिंग छोड़कर जाते हैं उनसे खर्च वसूली का सेना ने खाका तैयार कर लिया है।